Like a Hellcat. हाय स्टूडेंट, मैं सुरजीत जाखड़। आज हम लोग अपने टॉपिक के साथ आए हैं। हम लोग वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे, आज उसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। कल हमने पढ़ा था वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के टाइप क्या होते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा उसकी प्रोडक्ट क्या होती है। देखिएगा स्टूडेंट, हमने मैथ्स में पहले पढ़ा होगा, हम लोग कहते थे कि जैसे कह देते थे पांच गुणा तीन, और हम कहते थे पांच गुणा तीन दोनों में पंद्रह आता था। जब हम लोग मैथ्स पढ़ते थे, चाहे डॉट लगाए गुणा करो, चाहे क्रॉस लगाए गुणा करो, ये होता था हमारे पास मैथमेटिक्स में जब हम लोग छोटी क्लासों में थे। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर के अंदर फर्क पड़ता है। अगर क्रॉस का निशान लगा दें तो अलग हो जाता है, डॉट से मल्टीपल करेंगे तो अलग हो जाता है। वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हमारे पास डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट काम करती है। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डॉट प्रोडक्ट। तो ये देखिए क्या कहता है हमारे पास। तो स्टूडेंट, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है आपको ध्यान से सुनना है। डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, याद रहेगा? तो सर, डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि दो वेक्टर्स हैं, एक ए और डॉट लगा के मल्टीपल कर दो बी से, ये बराबर होता है दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीपल और साथ में एंगल रहेगा कॉस ऑफ थीटा। तो ये डेफिनेशन बनेगी कि कहता है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है उनके मैग्नीट्यूड का मल्टीपल एंड कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो आपको याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स एंड कोसाइन इज द एंड कोस इज द एंगल बिटवीन देम, और उनके बीच में क्या होगा हमारे पास कोस एंगल हमारे पास बनेगा, याद रखना इज द एंगल बिटवीन देम, उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो ये मैंने लिखा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड का मल्टीपल इंटू कॉस ऑफ थीटा, याद रहेगा डॉट प्रोडक्ट। अब स्टूडेंट, जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज माइंड में आती है हमारे, बेसिक प्रॉपर्टीज। तो बेसिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमारे पास आता है कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? कम्यूटेटिव का मतलब होता है एक जैसा, समान, सिमिलर। जैसे ये कहता है आप ए का प्रोडक्ट बी से करो, चाहे बी को ए से करो, हमेशा बराबर आएगा। कम्यूटेटिव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर आएगा। कारण क्या, देखिएगा अगर मैं लिखता हूं ए डॉट बी, तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ थीटा ये बन जाएगा अगर मैं ए डॉट बी करता हूं तो। लेकिन अगर मैं ये करता हूं बी डॉट ए, तो इसके अंदर क्या होगा, बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड और कोस माइनस थीटा। आप जानते हैं कोस का एंगल कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास बी डॉट ए, याद रखना। तो देखिएगा ये दोनों रिजल्ट बराबर हो गए, ये दोनों बराबर है। तो इसका मतलब चाहे ए को बी से डॉट प्रोडक्ट करो, चाहे बी को ए से डॉट प्रोडक्ट करो, हमेशा कैसा आएगा, बराबर आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब होता है आप शीशा देखें, आप मिरर देखेंगे, आपको आपका ही चेहरा दिखाई दे जाए, सेम चीज दिखाई दे जाए, वो कम्यूटेटिव होता है। देखिएगा दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है। सुनो, दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी वो आपको याद रखनी है, क्या होगी देखिएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी हम उसको आइडेंटिटी बोलते हैं, हम उसको आइडेंटिटी बोल सकते हैं। कैसे, हम कहेंगे अगर ए की डॉट प्रोडक्ट अपने आप से कर दी जाए तो हमारे पास क्या आएगा बताएगा, ए स्क्वायर आएगा। ए को अपने आप से मल्टीपल करोगे डॉट पर तो ए स्क्वायर आएगा। कारण देखिएगा क्या है, ए डॉट ए फॉर्मूला कहता है ए का मैग्नीट्यूड दूसरे ए का मैग्नीट्यूड, और आप जानते हैं अगर सेम है तो एंगल हमारे पास जीरो रहेगा, तो कॉस जीरो, और आप जानते हैं कॉस जीरो क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड कॉस जीरो वन हो गया। तो रिजल्टेंट क्या आएगा हमारे पास,
ए स्क्वायर आ जाएगा, ये बात आपको याद रखना। इसको आइडेंटिटी भी हम लोग बोल सकते हैं। तो मैंने यहीं से क्या लिखा, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि ए डॉट ए हम लोग लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस जीरो, कॉस जीरो वन होता है। आप इसको सोल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ए स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। स्टूडेंट तीसरी जो बात हमारे पास आती है वो मैं आपको बताऊंगा, अगर ए और बी परपेंडिकुलर हो जाए, वो आपसे कहेगा ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, थर्ड प्रॉपर्टी, दोनों राइट एंगल पे हो जाए, 90 डिग्री के एंगल पे हो जाए। अगर ए और बी के बीच में एंगल कितना हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, दोनों 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं, थीटा 90 डिग्री हो जाए, तो देखिएगा इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट आएगा, मजेदार आएगा। तो मैंने आपसे कहा ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो आएगा। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। देखिएगा कारण क्या होगा, हमने आपसे कहा कि ए डॉट बी, तो ए का मैग्नीट्यूड आएगा और इंटू यहां से बी का मैग्नीट्यूड आएगा और कोस 90, क्योंकि एंगल कितना हो गया 90 हो गया। और आप जानते हैं कोस 90 क्या होता है, कोस 90 जीरो होता है। तो ए डॉट बी बराबर ए मैग्नीट्यूड, इधर से बी मैग्नीट्यूड और ये कोस 90 जीरो, तो ए डॉट बी बराबर हो जाएगा जीरो, ये बात आपको याद रखनी है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या रहेगा, ये रहेगा आज का हमारा टॉपिक था जिसका नाम था डॉट प्रोडक्ट। एक बार कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस की, एक बार आइडेंटिटी डिस्कस की, और एक बार हमने राइट एंगल 90 डिग्री परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी डिस्कस की। आपको याद रखना है, अगले वीडियो के अंदर मैं आपको इसके न्यूमेरिकल और वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना पढ़ेंगे, थैंक यू।